स्थानीय पुलिस लाइन में सीएम शिवराज सिंह चौहान के द्वारा नक्सल उन्मूलन अभियान में जान की बाजी लगाकर नक्सलियों से हुई मुठभेड़ में नक्सलियों को मार गिराने वाले हाक फोर्स व पुलिस के 55 जवानों को आउट ऑफ टर्न प्रमोशन समय से पूर्व पदोन्नति देकर सम्मानित किया गया है। आपको बता दें कि जबलपुर से हवाई मार्ग के द्वारा बालाघाट पुलिस लाइन में पहुंचे सीएम शिवराज सिंह चौहान के द्वारा सर्वप्रथम बालाघाट पहुंचकर पुलिस लाइन में शहीद स्मारक में शहीदों को सर्वप्रथम श्रद्धांजलि दी गई। उसके बाद आयोजित कार्यक्रम आउट ऑफ टर्न प्रमोशन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उनके द्वारा जवानों की वीरता को सैल्यूट करते हुए कहा गया कि जवान यह ना समझे कि वह जंगल में अकेले जाते हैं, वह यह समझे कि उनके साथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी जंगलों में साथ रहते हैं। वहीं जिन विषम परिस्थितियों में पुलिस जवानों के द्वारा नक्सली अभियान को अंजाम दिया जाता है उसके विषय में खूब तारीफ करते हुए जवानों का हौसला जाहिर किया। निरीक्षक श्री महेंद्र सिंह गोप को पदोन्नत कर उप निरीक्षक बनाया जा रहा है। उप निरीक्षक श्री मंगलो कोइके को पदोन्नत कर उप निरीक्षक बनाया जा रहा है। हॉक फोर्स के प्रधान आरक्षक श्री अतुल कुमार शुक्ला को पदोन्नत कर सहायक उप निरीक्षक बनाया जा रहा है। प्रधान आरक्षक श्री लोकेश सिंह, प्रधान आरक्षक श्री अनूप सिंह भदौरिया को पदोन्नत कर सहायक उप निरीक्षक बनाया जा रहा है। हॉक फोर्स के प्रधान आरक्षक श्री राम सुरेश कौल को पदोन्नत कर सहायक उप निरीक्षक बनाया जा रहा है। हॉक फोर्स के आरक्षक श्री चंद्रन टेमरे को पदोन्नत कर प्रधान आरक्षक बनाया जा रहा है। हॉक फोर्स के आरक्षक श्री श्रेयस कुमार उइके को पदोन्नत कर प्रधान आरक्षक बनाया जा रहा है। आउट ऑफ टर्न प्रमोशन के और सही अर्थों में प्रमोशन शब्द छोटा है, अपने वीर जवानों की वीरता का सम्मान करने उनको लगा कि मैं बहुत व्यस्तता से काम, लेकिन कितनी भी व्यस्तता हो मैं इनका वीर जवान को सल्यूट करने स्वयं से प्राप्त किया है। मैं जीरो की पूजा करने आया क्योंकि वीरता का सम्मान अगर नहीं हुआ तो वीरता बान हो जाएगी। और जब आपका हृदय से अभिनंदन कर केवल अपने अवसर नहीं मध्यप्रदेश की 8.5 करोड़ जनता की ओर से आपको सल्यूट। अभी आप बता रहे थे, हमारे एसपी भी बता रहे थे और उसके बाद डीजीपी साहब भी बता रहे, 1 साल में ऐसी सफलता नक्सली मूवमेंट को समाप्त करने की इससे पहले कभी नहीं मिली, अपने आप में एक उदाहरण है। और यह आसानी से नहीं थी, रात रात भर पैदल चल के जंगलों में घास के बीच लेट के लगा के इनका सम्मान हो रहा है। लेकिन आपको
सोचने सोचे का दिन और रात सर्च करके काम मुठभेड़ होगी, कैसे खोजेंगे, मुकाबला कैसे होगा, इसकी रणनीति बनाई गई और सिर पे कफन बांध के और जान हथेली से लेके हमारे दिल जवानों ने घोर रहने देखे और इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। एक बार फिर आपका अभिनंदन करता हूं। हमारे बचपन आप फोर्स और पुलिस बल के दोनों कार्रवाई एक सूबकार के जंगल क्षेत्र में जाम सहेरा वन चौकी उस मुठभेड़ में दो नक्सली मार कराए गए और इन दोनों घटनाओं में इस घटना में 49 लाख रुपए का इनाम घोषित था नक्सलियों का, AK-47 315 राइफल विस्फोटक सामग्री नक्सली साहित वैसे हरा टोला में पांचवी मलाज खंड में सर्चिंग के दौरान जो मुठभेड़ हुई है उसमें भी 14 लाख रुपए से ज्यादा के इनामी नक्सली मारे गए, हथियार बरामद हुए। ये साल नक्सलियों का नेटवर्क नेस्त नाबूद करने का साल रहा है। एक साल में 6 इनामी नक्सली मारे गए, पिछले 9 साल की कार्रवाइयां भी इकट्ठी कर ली जाए कमांडी तो उससे भी ज्यादा है जो हमारे जवानों। उन्होंने बताया कि जो नई शराब नीति लागू की गई है उसमें प्रमुख रूप से ध्यान दिया गया है कि जो दारू की दुकान के बाजू में आहाते होते थे उनमें लोगों के द्वारा बैठकर शराब पिया जाता था, वो उसके बाद जिस प्रकार से हिलते डुलते अपने घर पहुंचते थे इससे सबसे ज़्यादा हमारी बहनों को परेशानी होती थी, जिसको देखते हुए हमारी सरकार के द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि अब मध्य प्रदेश में एक भी आहाते नहीं होंगे, सबको बंद कर दिया जाएगा, लेकिन यह नियम 31 मार्च के बाद लागू होगा जिसमें मध्य प्रदेश में एक भी आहाता देखने को नहीं मिलेगा। वहीं उन्होंने मासूम बच्चों के साथ यदि दुराचार हुआ तो दुराचार करने वालों को सबसे पहले फांसी दी जाएगी, अब किसी को नहीं बख्शा जाएगा। आपने देखा कि किस प्रकार से मध्य प्रदेश में डाकू हो या गुंडा हो एवं माफियाओं को भी नेस्त नाबूद कर दिया गया है। और वहां भीड़ कर बैठते लोग पीते थे और पीने के बाद एक होश में नहीं रहते थे, रोलते डालते हिलते जुलते, कोई नाली में जल रहा है कोई सड़क पर पड़ा है और उस समय आस पास रहने वाले बहने गुजरने वाले बेटियां उनको अपनी स्थिति का सामना करना पड़ा। मैंने तय कर दिया कि मध्य प्रदेश में कोई भी आहाता नहीं खुलेगा, सारे आहाते बंद किए जाएंगे। एक अप्रैल से कभी कभी पैसे खुलते गए, 31 मार्च तक ये कब तक के बनेंगे क्योंकि कानून है वो, लेकिन 31 मार्च के बाद मध्य प्रदेश की धरती पर कोई आहाता नहीं होगा। पहले तो हाथ में पी लेते थे, अब जाना है तो घर लेके जाओ होटल, फिर तुम्हारी पत्नी तुम्हारी चाहत बनाएगी, लेकिन हमारी कभी नशे के खिलाफ भी नहीं, नशे के तस्कर जब माफिया उनके खिलाफ भी अभियान चला है। मुझे अपनी सरकार पुलिस है जो इन्वेस्टिगेट करती है अपराधी पकड़ती दुराचार के भी, और 42 से ज्यादा क्योंकि मध्य प्रदेश की धरती पर हमने तय किया कि मासूम बिटिया के साथ अगर दुराचार हुआ तो सजा नहीं सीधे फांसी के कंधे पर लटकाया जाए।
आज अपने जवानों को एक बार फिर अभिनंदन करता हूँ। वहीं बालाघाट पुलिस अधीक्षक समीर सौरभ के द्वारा बताया गया कि नक्सल उन्मूलन अभियान में जान की बाजी लगाकर मुठभेड़ में नक्सलियों को मार गिराने वाले हॉक फोर्स और जिला पुलिस बल के 55 जवानों को पूर्व पदोन्नति देकर सम्मानित किया गया। आपको बताया कि 30 नवंबर 2022 को बालाघाट जिले के गढ़ी थाना क्षेत्र में नक्सलियों से हुई मुठभेड़ में हॉक फोर्स के जवानों ने 2 इनामी नक्सली को मार गिराया था। इसी प्रकार 18 दिसंबर 2022 को पाथरी चौकी के अंतर्गत हर्रा टोला के जंगल में मुठभेड़ में सुरक्षा बल के जवानों ने 1 इनामी नक्सली को मार गिराया था। पिछले वर्ष 30 नवंबर और 18 दिसंबर के 2 नक्सल मुठभेड़ों में 1 डीवीसीएम सहित 63 लाख की इनामी 3 हार्डकोर नक्सलियों को धराशायी करने में अद्भुत पराक्रम का परिचय देने वाले 55 जवानों को आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा क्रम पूर्व पदोन्नति से अलंकृत किया जा रहा है। परंतु मैं मानता हूँ कि आज का यह क्रम पूर्व पदोन्नति का समारोह एक समारोह से कहीं अधिक एक पर्व है, एक उत्सव। यह पर्व है आप जवानों के अदम्य साहस और वीरता की कीर्तिगान का। यह उत्सव है उस बलिदान के तप की सिद्धि का जिसमें हमारे जवान अपने परिवारों से दूर हर सुख सुविधा का त्याग कर घने जंगलों और सुदूर पहाड़ियों में अपनी जान हथेली पर रखकर नक्सलियों को एक के बाद एक के बाद एक शिकस्त दे रहे हैं। और साथ ही यह उत्सव उस गर्व की अनुभूति का कि आज हमारा हौसला बढ़ाने और हमारी पीठ थपथपाने एक बार फिर प्रदेश के मुखिया और मध्य प्रदेश पुलिस के प्रेरणा पुंज श्री शिवराज सिंह चौहान जी स्वयं हमारे बीच उपस्थित। इसमें कोई संशय नहीं है कि वर्ष 2022 मध्य प्रदेश पुलिस के लिए नक्सल उन्मूलन अभियान के क्षेत्र में ऐतिहासिक सफलताओं भरा वर्ष रहा है। परंतु मैं यह मानता हूं कि फील्ड पर तैनात हम और हमारे जवान यदि आज पूरे जोश के साथ ड्यूटी कर पा रहे हैं तो इसके पीछे माननीय मुख्यमंत्री जी का पर्वत सा अविचल और अधिक संबल और प्रोत्साहन उनकी सतत प्रेरणा है और हमारे लिए अमूल्य उनका यह विश्वास है कि बालाघाट में हॉक फोर्स के रहते नक्सली और उनकी विचारधारा कभी हमारे मध्य प्रदेश में पाव नहीं पसार सकती। जवानों को सदैव प्रेरित रखने की आपकी दृढ़ इच्छा